तो वाणी का तप है सत्य भाषण, प्रिय भाषण, मिथ्या भाषण न किया जाए, व्यर्थ की बात न की जाए। संतों के जीवन में आपको ये गुण देखने को मिलेगा, आवश्यकता से भी कम, जितना कम बोला जा सके उतना। और आप अपने साधन में अद्भुत उन्नति देखेंगे। एक इसका प्रयोग आप करके देखिए जीवन में। इसीलिए कभी यही किसी सत्र में मैंने कहा था कि कभी कभी सत्संग के नाम पर भी हम कुसंग ही कर रहे होते हैं। सत्संग तो भाई जितना यहां हो रहा है ना उतना पर्याप्त है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। फिर सुबह शाम किसी के साथ मिलकर बैठ के बोले ये तो हमारे ही परिकर के हैं, ये तो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। क्या है ना, मन को इसी सब का अभ्यास है, वो भांति भांति के तरीके खोजता है ऐसे वैसे करने का। सत्संग की इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं, जितना यहां सुन लिया पर्याप्त है। और यहां नहीं सुन पा रहे हो तो आज भाई आप अपने विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक आध घंटा सुन लो। यहां नहीं सुन पा रहे तो वैसे सुनो। इतना ही पर्याप्त है। तो एक बड़ी काम की बात आपके मेरे हाथ आती है कि एक बार आप ये प्रयोग अपने जीवन में करके देखें। देखो भाई, कहना सुनना तो बहुत हो गया, आपके और मेरे बीच में भी कहना सुनना तो बहुत हुआ। अब बात यह है कि जो कहा सुना जा रहा है कितना प्रतिशत हम उसको ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं, कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आज तक ये बात होती रही क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अब बात आती है भाई कर क्या रहे हैं। मैं भी क्या कर रहा हूं, आप भी क्या कर रहे हैं। यहां से कुछ ले जाने का अर्थ यही है कि जो सुना है उसका कुछ निधिध्यासन भी होना चाहिए ना, कुछ दिखाई तो पड़े आपके जीवन में। जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति इसी प्रकार तो होगी, जो अनावश्यक है उसका परिहार इसी प्रकार तो होगा। मौन, और किसी की बात तो मैं नहीं कह सकता, पर ऐसे अपने साधक जीवन में, क्योंकि जहां से मैंने ये यात्रा आरंभ की श्री राम शरणम, वहां से एक साधक जीवन का अनुशासन बड़ी सुंदर रीति से मुझे सीखने को मिला। वहां सुबह से लेकर रात तक की एक एक दिनचर्या निश्चित थी कि भाई इतने से इतने समय तक आपको मौन ही रहना है, इतने से इतने समय तक स्वाध्याय होगा, इतने से इतने समय तक जप होगा, इतने से इतने समय तक कीर्तन होगा। तो बहुत साल जब जब उस व्यवस्था में मुझे रहने का अवसर मिला तो उसका अभ्यास हो गया, उसका एक सहज अभ्यास हो गया। उस काल में मैंने इस मौन का बड़ा अद्भुत लाभ अपने जीवन में देखा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो अभ्यास आज के दिन तक मेरा संगी साथी बना हुआ है, वो आज के दिन तक मेरे काम आता है, आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी अद्भुत शक्ति छिपी है इस मौन में। पहले आपकी केवल जिह्वा मौन होगी, लेकिन आपके मन में खटपट चलेगी और हो सकता है वो खटपट और बढ़ जाए, पर उस समय बस थोड़ा धीरज धरना। फिर आप देखोगे धीरे धीरे मन की वो जो संकल्प विकल्प की तरंगे है ना, वो शांत हो रही है। और हम कह देते हैं सुख शांति, पर मुझे लगता है दोनों बात तो एक ही है, शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। हजार सुख के साधन बाहर हो लेकिन मन अशांत हो तो वो किसी काम के नहीं है। और बाहर हजार प्रतिकूलताएं खड़ी हो लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आपके जैसा सुखी और कोई भी नहीं है। शांति ही सबसे बड़ा सुख है, कि दो शब्द नहीं है, एक है, ये शांति ही सुख है। बड़े बड़े अनर्थों से बचा लेता है मौन, बड़े अनर्थों से। और फिर जो शांति इस अभ्यास से कालांतर में आपको प्राप्त होगी, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो जो शांति कालांतर में आपको इस अभ्यास से प्राप्त होगी, जो सुख आपको मिलेगा, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, आप ही अनुभव करेंगे उसका। आज भाई ये थोड़े छोटे जो अभ्यास संतों की कृपा से हमको मिले, जो प्रयोग हमको मिले, कि आज हमको यहाँ इस स्थान पर ले आए, आज हमको कोई कहे भाई इतना बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आप यहाँ से अपने इस एकांत से निकल कर यहाँ आ जाए, नहीं भाई हमको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है।
क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जो भीतर मिल रहा है ना वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, बाहर की कोई वस्तु उसका मूल्य नहीं लगा सकती, जो भीतर प्राप्त हो रहा है। कबीर कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। जब जब कहीं भीतर झलक मिलती है उसकी, जब कहीं वो अमृत बिंदु आपको भीतर प्राप्त हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं, ना ना ना, मैं केवल अपने साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं। जब वो एक झलक मिल जाती है, एक बूंद जब वो भीतर मिल जाती है, बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। संसार का सारा आकर्षण जो जन्म जन्मांतर से हमारी संस्कृति का कारण बना हुआ है, वो सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। और ये सब साधन बड़े बड़े उपयोगी हैं, बड़े सहयोगी हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये सूत्र बड़ा अमूल्य मुझे मिला कि तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में बात कह रहे हैं। अब कोई कहेगा कि भाई सिर्फ ईश्वर की शरणागति बहुत है, तप और स्वाध्याय की आवश्यकता क्या है? सकहीं तो सब परपंच तज, इसके लिए तप और स्वाध्याय की आवश्यकता है, प्रपंच कैसे छूटेगा? अब कहो भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो महाप्रभु कान पकड़ कर कहने, तू बालक नहीं भरे हो सयानप। विषय सुख प्राप्त करने के लिए तो संसार के एक कोने से दूसरे कोने की दौड़ मनुष्य लगा रहा है, साधन नहीं कर सकता। सावधान होकर साधन नहीं कर सकता, अवश्य कर सकता है, और इसी करने के लिए तो भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है। थोड़ा थोड़ा अपनी बुद्धि के द्वार खोलकर अगर इस बात का विचार किया जाए, भाई कौन सा ऐसा विषय का सुख है जो पशु होकर नहीं भोगा जा सकता है? और मनुष्य के जीवन से यदि भजन हटा दो, संस्कार हटा दो, तो पशु ही रह जाता है पीछे, और क्या रह जाता है? बल्कि मैं तो कहूंगा पशु से भी बदतर कोई रह जाता है, पशु से भी गया बीता कोई रह जाता है, पशु नहीं, पशु से भी गया बीता। तो सुन तो लिया आपने बहुत शांत होकर, अब हाथ ऊंचा करके बताओ कि कौन आज से ही प्रयास करेगा धीरे धीरे? हाँ, इसकी आवश्यकता है, कोई एक दीप जले। मैं सदा कहता हूं एक दीपक वो हजार के लिए संभावना बनता है, कोई एक दीप जले। पता नहीं किसने ये शब्द कहे, महाराज जी आपने बताया था हमको कि सत्य के विषय में हजार हजार बार चर्चा करने से अच्छा है एक कदम उसकी ओर बढ़ाया जाए, एक कदम उसकी ओर बढ़ाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और मैं तो ऐसा समझता हूं भाई कि संत का कार्य एक ही है, विचार देना, वो आपको विचार की शक्ति से पुष्ट करे। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, इस अस्तित्व में आज तक जितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो शब्द की शक्ति से हुए हैं। ऋषि मुनियों के संकल्प हैं, संकल्प पूत तप पूत शब्द हैं, जिसने अस्तित्व को बदला है। तो आगे बढ़े हम, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना आपसे हो सके मौन। और एक बात मैं आज कह दूं, वो 24/7 एप्लीकेबल रहेगी, और वो ये कि कोई भी साधन कोई भी नियम करना भगवान की कृपा मनाते हुए, ये जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, इससे दूर रहकर करना, सबसे बड़ा कुसंग तो यही है। फिर आप कहोगे हम तो आपकी कथा सुनते हैं, हम तो सत्संग ही सुनते हैं, ना ना, पर अगर कोई नियम पालन आपको करना है तो इससे भी दूर रहकर। नहीं तो कल कोई कहे कि भाई आधा घंटा कथा चला ली, चुप बैठे, महाराज जी ने कहा था मौन में रहना, ऐसे नहीं। इसको स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने भी और स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने भी इसको चुप साधन कहा है, मूक साधन, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखो 15 मिनट में प्राण संकट में आ जाएंगे आपके, एक बार अभ्यास करना आरंभ करके देखो, यह आसान नहीं है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, यह आसान नहीं है, सरल नहीं होगा, बड़ी कठिनाई होगी आपको इसमें आरंभ में,
क्यों? क्योंकि अभी जो मन थोड़ा किसी क्रिया में उलझा रहता है वो वहां से भी विश्राम पा जाएगा, उसकी उछल कूद और बढ़ जाएगी, उसकी उछल कूद और बढ़ेगी, इसलिए धीरे धरना पड़ेगा। हाँ, पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपको ले जा सकता है वहां जहां मीराबाई सा कहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, आठ पहर झणकार रे, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार, बिन करताल पखावज भाजे। और या फिर जो जो हम ऐसे ही खूब गाते गुनगुनाते हैं, गगन में आवाज हो रही जीनी जी, अरे मुरलिया बाज रही, संत कह रहे कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही, उस रस का वर्षण तो सतत निरंतर हो ही रहा है, होना नहीं है वो तो हो रहा है। हो कोई सुने रे संत सुजान, हो कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। वो उस नाद का, उस ध्वनि का श्रवण करने के लिए आप देखो गोपी के ही कान में श्री कृष्ण द्वारा किया वो वेणु नाद क्यों पड़ता है, क्योंकि गोपी का मन अब सब ओर से मौन हो चुका है, उसका मन सब ओर से मौन है, हृदय आकाश बिल्कुल खाली, इसीलिए वो शब्द गुंजायमान हो, सब ओर से मौन है गोपी का मन, सारी चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों से वो निवृत्त हो चुकी है, कुछ भी नहीं है उसके जीवन में, केवल प्रतीक्षा है, प्रियतम के आने की प्रतीक्षा। इसलिए मैंने कहा ये कुछ न करना ये आसान नहीं है, करना आसान है, बड़े से बड़ा कार्य करना भी आसान है, कुछ न करना ही आसान नहीं है, करके देखना और फिर अपना अनुभव लिख कर देना मुझे, करके देखना आप, इसका अभ्यास करके देखना, आधा घंटा बस बैठना है आपको, कुछ नहीं करना, तन से भी कुछ नहीं करना, मन से भी कुछ नहीं करना, कोई नाम जप नहीं करना है, कोई स्तोत्र पाठ नहीं करना है, कुछ मंत्र नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना, एक बार करके देखो। और ये मन का तप भी है, ये मन का तप भी है, जैसे कोई बहुत शरारती बच्चा अपनी माँ से कहे कि माँ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, माँ कहेगी बेटा तू 10 मिनट बैठ जा आराम से, और कोई मदद तुझसे नहीं चाहिए, तू बस इतना ही सहयोग कर मेरा कि तू शांति से बैठ जा। ऐसे मन का तप क्या है, मन को शांति से बिठा दीजिए, यही मन का तप है, ये मन का सबसे बड़ा तप है, बिठा दीजिए मन को कि भाई तू इधर उधर की दौड़ बंद कर दे, अब वो कहेगा नहीं बाकी तो सब कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है, ये जन्म जन्म से इसी का अभ्यास है, इसी को तप कहा है, एक मन का तप है और काया का तप है कि भाई सबकी सेवा करिए, सहारा बनिए किसी का, कारण बनिए किसी के जीवन में प्रसन्नता लाने का, किसी के मुख पर मुस्कान लाने का, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। सरल शब्दों में आपका आपको कहूं कि
काया का तप तो किसी की मुस्कराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, अपने हिस्से का सुख दे दीजिए किसी को। और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ऐसे मन का, वचन का, काया का कुछ तप करते हुए। और फिर दूसरी बात महर्षि कह रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात, स्वाध्याय माने, हाँ बताओ बताओ, आपकी दृष्टि में क्या है? सुन लिया ना, और बताओ। सदग्रंथ का अध्ययन और ये शब्द तो सुना होगा ना पहले, स्वाध्याय, पर कभी किया नहीं। सुना तो किया नहीं, दोनों ही अर्थ हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इस शब्द जो बना है, स्वयं का अध्ययन भी है, अपने आप को पढ़ना, पर अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने आप को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने आज तक सारी जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं वो बाहर ही तो पढ़ी है, अपने मन की पुस्तक पढ़ना कहां आता है। अपने आप को पढ़ने के लिए सबसे अधिक परिष्कृत दृष्टि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने प्रति ही निष्पक्ष नहीं हो पाते। कल यही बात तो हम कह रहे थे, अपना दोष कहां देखते हैं, हम कहां मानते हैं, मान भी ले तो उसे बचकर निकलकर भागते हैं कि नहीं। स्वाध्याय करने के लिए परिष्कृत दृष्टि चाहिए, निष्पक्ष हृदय चाहिए। दो पक्ष नहीं होते, पक्ष और विपक्ष, एक तीसरा पक्ष भी होता है निष्पक्ष, जो किसी के भी पक्ष में ना हो। अपने आप की पुस्तक पढ़ने के लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। और वैसी बुद्धि, वैसी प्रज्ञा, वैसी परिष्कृत दृष्टि आपको मिलेगी सदग्रंथों के अध्ययन से। इसलिए दोनों ही अर्थ हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे हैं? सदग्रंथ का अध्ययन किस लिए किया जाए? दूसरे को प्रवचन उपदेश देने के लिए नहीं, अपने मन की पुस्तक पढ़ने के लिए। हमको जैसी दृष्टि अपेक्षित है, जैसी योग्यता हमको चाहिए, वो योग्यता हमको प्राप्त हो, इसके लिए सदग्रंथ का अध्ययन किया जाना चाहिए, जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करे, हम अपना दोष ढूंढ सकें, अपने दोष को दूर कर सकें, उसके लिए अध्ययन करना है। अभी यहां से बाहर निकलो तो आपको कितने पोस्टर लगे मिलेंगे, 6 महीने में भागवत सीखिए, और अब तो नीचे ये और लिखा मिलेगा, प्रमाण पत्र के सहित सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 6 महीने में सीखिए भागवत। अब वो किस लिए सिखाया जा रहा है? वो स्वाध्याय नहीं है, वो तो सिखाया इसलिए जा रहा है भाई पढ़ के दूसरे को सुनाओ। कभी कभी ऐसे दुख होता है कि श्रीमद् भागवत जैसा शास्त्र, और मैं कह रहा हूं सब वेद पुराण का सार स्वरूप ये शास्त्र है, कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह है। और देखो, लोभ है सर्व पाप को मूल, कैसी दशा हो गई। हम लोगों के हाथ में ये वस्तु आई है ना, तो हम लोगों का एक सहज कर्तव्य बन जाता है कि जिस गौरव से ये वस्तु हमारे हाथ में आई है, उसी गरिमा से हम इस वस्तु को आगे भी किसी के हाथ में दें। मैं तो ये कहता हूं, बार बार कहता हूं कि दो ग्रंथ ऐसे हैं, उनमें से किसी एक का भी आश्रय लेने वाले को किसी अन्य शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं है। वहां तुलसी बाबा की मानस है, और यहां भगवान वेद व्यास का ये श्रीमद् भागवत है। जैसे भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे सारे शास्त्रों पुराणों को छोड़कर कोई इनमें से किसी एक का आश्रय ले ले, उसका भक्ति सिद्धांत पुष्ट हो जाएगा, उसको अवश्य मेव भगवत भाव की प्राप्ति होगी। और देखो देखो आज क्या क्या स्थिति बाहर देखने को मिल रही है, ये बड़ी दुखद बात है, पीड़ा होती है। पर फिर मुझे तो लगता है भाई, माना कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कब बना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जब चर्चा आरंभ की थी तो मैंने आपको कहा था कि भाई बड़ा ये उत्तरदायित्व का कार्य है,
क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्रोता और वक्ता दोनों के अधिकार का संकेत किया गया है, कैसा श्रोता हो और कैसा वक्ता हो। हमारे श्री सेवक जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, और सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर है। हमारे कहने सुनने का बस एक ही प्रयोजन है और वही रहना चाहिए कि भाई ये सुनते चले जाएं और ये भाव हमारे हृदय में और दृढ़ होता चला जाए। क्या भाव? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। सदग्रंथ का अध्ययन इसलिए करना है हमको निष्पक्ष दृष्टि प्राप्त हो, जिससे हम स्वाध्याय कर सकें, जिससे हम अपना अध्ययन कर सकें ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर गुण नहीं है, गुण भी है दोष भी है। और कभी आपसे मैंने कहा था, अपने गुण का विकास करना, अपने दोष का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है, इसी को साधना कहते हैं। वो निष्पक्ष भाव, वो सुस्पष्ट दृष्टि, वो आचरण की पारदर्शिता प्राप्त करके हम अपने गुण का विकास करें, अपने दोष का मार्जन करें। प्रियतम को रिझाने की यही विधि है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे। खैर, मैं तो आपको सदा ही कहता हूं कि भाई यहां इस सत्र में जो भी उपस्थित हो, उसका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई ये सब कह सुनकर प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, हमारी प्रीति बढ़े। इसलिए कल परसों में आपसे कह रहा था, हमारी ओर देखना नहीं, हमें तो केवल सुनना, देखना प्रभु की ओर। हमारी बात सुनना, शब्द सुनना, गुरु का शब्द ही गुरु है। कान के लिए गुरु है, आंख के लिए इष्ट है। आंख के लिए इष्ट का दर्शन है, कान के लिए गुरु का शब्द है। गुरु का शब्द गुरु है। असल में हुआ क्या, और अभी आगे और होगा, जाने क्या क्या होगा, कि समय के साथ किसी भी पद्धति में विकार विकृति आना बड़ा स्वाभाविक है, आ ही जाता है, मिलावट हो जाती है। अब कारण कुछ भी रहा हो, गुरु की महिमा तो है ही भाई, उस पर तो कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। जब तुलसी बाबा स्वयं कह रहे, गुरु बिन भवनी धी तरई न कोई, जो विरंचि संकर सम हुई। पर अब एक छोटा सा उदाहरण कभी मैं आपको पहले भी दिया करता था कि भाई एक दवा मुख से खाई जाती है, एक दवा खाने की होती है। अब अगर किसी को अगर चर्म रोग हो जाए, एक दवा खाने की है, एक दवा लगाने की है। अब भाई खाने की दवा कोई लगाए, लगाने की दवा खाए तो कैसे ठीक होगा, प्राण संकट में आ जाएंगे। इसीलिए गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, जैसे वो दोनों दवाई है। और वैद्य ने आपको पूर्ण रूपेण भला चंगा हो जाने के लिए वो दोनों दवा दी है, लेकिन दोनों का प्रयोग करना भी सिखाया है। ऐसे गुरु का शब्द ग्राह्य है, गुरु का भाव, गुरु का विचार। क्या कह रहे हैं भगवान, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, संतों के पास जाना और कुछ नहीं करना, हमारी कथा सुनना। दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु का शब्द और प्रभु का रूप। पिछले सत्र की बात है ना, जब एक किसी का आया था मेरे पास पत्र, उसने कहा कि कोई कह रहा है कि नखशिखा तक गुरु का ध्यान किया जाए। ना बाबा ना, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आपसे।
ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि लगाने की दवाई को कोई खा रहा है, लगाने की दवा को लगाइए, खाने की दवा को खाइए, दोनों ही दवा है और कोई कम या अधिक नहीं है, दोनों का ही अपना महत्व है, अपना ही उपयोग है और एक दूसरे के बिना दोनों काम भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना दोनों काम नहीं कर सकते। ये हमारे डॉक्टर साहब यहां स्किन स्पेशलिस्ट बैठी है, इनसे पूछना भाई, दोनों दवा है ना तो दोनों का ही उपयोग करना पड़ेगा, एक के अभाव में दूसरा अपना कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरु दोनों की आवश्यकता है, बराबर, कम या अधिक नहीं, पर इष्ट का सेवन कैसे किया जाए, गुरु का सेवन कैसे किया जाए, ये बात विचारणीय है, ये बात विचारणीय है। अब मान लो महादेव किसी का इष्ट हो, किसी ने उसको ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया हो और बोले कि मेरे मन में इच्छा है कि 24 घंटा महादेव का अखंड अभिषेक करना है। अब लो गुरुजी को ही बैठाकर, बोले आप में और महादेव में कोई भेद थोड़ी है, अब गुरुजी को ही बैठाकर और 24 घंटा कोई कहे कि आप बैठे रहो, आपका ही अभिषेक करना है, अब पता नहीं अगले दिन गुरुजी उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, ऐसे थोड़ी संभव हो सकता है। गुरु की सत्ता अभिव्यक्त तो मनुष्य के शरीर में ही हो रही है ना, वो पंचभूत का देह ही तो है, और देह दृष्टि से अगर गुरु को देखा, अगर देह की दृष्टि से गुरु को देखा तो सब संतों ने कहा है, बोले नर्क का द्वार खुला है। ऐसे जीव की अधोगति होती है, ऐसा जीव अनंत अनंत काल के लिए भगवान से विमुख हो जाता है, अधोगति होती है ऐसे जीव की यदि गुरु को इस दृष्टि से देखा तो। रे मन संभल संभल पग धरिए, इसलिए मैंने कहा निष्पक्ष दृष्टि की आवश्यकता है, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए यह हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने सुस्पष्ट कहा है। जैसे उस दिन एक माता ने पूछा ना कि आप कहते हैं कि गुरु और शिष्य तो पिता पुत्र का सा भाव होता है, तो क्या पुत्र अपने पिता को हृदय से नहीं लगा सकता? यहां कहा गया है पुत्र पितावत भाव होता है, जैसे भगवान मनुष्यवत लीला करते हुए भी मनुष्य नहीं है, है तो भगवान ही, लोकवत लीला करते हैं। भगवान को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ देने की कोई आवश्यकता नहीं, पर भगवान ये कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आचरण का अनुसरण पीछे संसार करेगा। इसीलिए बुद्ध जनों का मत है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, कोई बात शुद्ध भी है पर यदि लोक विरुद्ध है, जनमानस पर अगर उसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो समर्थ महापुरुष को भी उस आचरण को नहीं करना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। और फिर आज जैसा समय है भाई, आज जैसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ये तो साधक के लिए तो भाई पहले ही दिन मैंने आपसे कहा था कोई बहुत अनुकूल समय नहीं है, बहुत सावधान रहने का समय है। और उसमें भी भाई हमारी बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, पर मैंने कहा कि मैं तो यहां से बिल्कुल निष्पक्ष बात कहूंगा, माताओं बहनों के लिए तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं और बहुत बल देके ये बात आज फिर कह रहा हूं कि भाई माताओं बहनों के लिए तो घर के जैसा वातावरण और कहीं नहीं है भजन करने का, घर में रहकर भजन करिए। आप किसी भी बात से, किसी भी तर्क से, किसी भी कुतर्क से आप इस सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आती है, उन सब का विचार करके बड़ी विचारपूर्ण रीति से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। आपके घर के परिवार के सदस्यों की अनुकूलता हो, उनका संग सहयोग यहां पर हो, खूब यहां पर रहकर भजन करिए। पर भाई मेरा एक कर्तव्य है यहां से निष्पक्ष बात कहना, श्रुति शास्त्र सम्मत बात कहना, गुरुजनों ने किस बात की आज्ञा की है वो बात मैं यहां से कह सकता हूं। और इसके साथ एक और बात भी मैं यहां से निवेदन करूं कि भाई भाग्य में जो कष्ट लिखा है वो तो घर में रह लो, वन में रह लो, आकाश पाताल में कहीं भी रह लो, वो तो आएगा, उससे तो बच नहीं सकते।
आज जहां से चर्चा आरंभ हुई मैं वहीं पर चर्चा को लेकर आ रहा हूं, संतोष कहां है फिर हमारे जीवन में संतोष, अगर हम अपनी खींचातानी में अब तक भी लगे हुए हैं। एक बार जो है जैसा है जहां है वहीं वैसा उसे स्वीकार तो करो, उसको वहीं वैसा स्वीकार तो करिए। तो आज की चर्चा से ये कुछ बातें हमारे हाथ में आई। पहली तो बात आई तप, और तप का अर्थ, पहला अर्थ क्या है, संतोष, फिर मन का, वाणी का, काया का, कुछ तप। एक और बड़ा लाभ है तप का कि वो जीवन में प्रमाद नहीं आने देगा, वो जीवन में प्रमाद नहीं आने देगा। शास्त्र तो कहता है मनुष्य के लिए मृत्यु है क्या, वैसे तो मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, जड़ की मृत्यु होती नहीं, जिसमें प्राण ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे होगी, और चेतन की मृत्यु हो नहीं सकती, वो चेतन अमल सहज सुख राशि, फिर मृत्यु का अर्थ क्या है, मृत्यु तो कुछ होती नहीं, किसकी मृत्यु होती है। ये जो शरीर है ये भी पंचभूत, वापस पंचभूत में ही मिल जाते हैं, तो मरा तो कोई भी नहीं, कौन मरता है, मृत्यु तो किसी की होती ही नहीं। फिर इस मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द अस्तित्व में आया ही क्यों, जब मृत्यु होती ही नहीं, फिर मृत्यु ये शब्द ही अस्तित्व में क्यों आया, इस अर्थ का उपयोग क्या है। बोले नहीं, मृत्यु है क्या, बोले प्रमाद मृत्यु है, मनुष्य के लिए प्रमाद मृत्यु है, जो प्रमादी है वो मृत समान है, अरे हाँ कर लेंगे कभी करेंगे, जो सुख सुविधा में लिप्त भूल गया जीवन के उद्देश्य को और केवल शरीर का ही सुख भोगता हुआ पड़ा है यहां धरती पर भार बनकर बोझ बनकर, वो मरा है, उसको मरा जानना चाहिए। संत कह रहे हैं जो ना भजे हरि नाम को जानिए मरे समान, वो मरे समान जानना चाहिए। तो तप और फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय माने अपना अध्ययन, और अपना अध्ययन करने के लिए जैसी दृष्टि चाहिए, जैसी निष्पक्ष बुद्धि चाहिए, वो मिलेगी आपको सदग्रंथों के आश्रय से। और जब मैं सदग्रंथ कहूं तो उसमें गीता भागवत रामायण तो है ही, और संतों की जो वाणी है उसमें हमारी निष्ठा है, उसमें हमारी श्रद्धा है, क्योंकि अब जैसे श्रीमद् भागवत है, अब हो सकता है भाई कि कोई स्वयं पढ़े तो उसका वास्तविक अर्थ उसको न समझ में आए, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने बहुत बातें गुप्त रीति से कही हैं, जो रहस्य है उसको कहने की यही शैली होती है महापुरुषों की। तो जो संतों की वाणी है उनमें सब वेद शास्त्रों के सार को बड़ा सरल करके संतों ने गा दिया है, गाया गाया हरि गुण गाया काल व्याल सोमांची। लो भाई ये सब शास्त्रों का सार है, हरि गुण गाओ। तो ऐसे कितने सिद्धांत आपको संतों की वाणी में बड़े सरल शब्दों में प्राप्त हो जाएंगे, और फिर उन शब्दों का अपना एक विलक्षण प्रभाव भी है, उन शब्दों का सेवन करने से, वो शब्द औषधि के जैसे हैं, उन शब्दों का सेवन करने से धीरे धीरे चेतना निर्मल होने लगती है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो शब्द की है, सृष्टि में जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो शब्द से होता है, बाहर की सृष्टि में तो हो ना हो, भीतर की सृष्टि तो बदल जाती है। गुरु का शब्द सुनते सुनते, संत की वाणी का गान करते करते, ध्यान करते करते भीतर की सृष्टि बदल जाती है। जो अहमता और ममता केवल स्वार्थ का पोषण करने में लगी थी वो प्रभु को प्रसन्न करने में लग जाती है संतों के शब्द सुनते सुनते। ये परिवर्तन तो अवश्य आता। तो ये हुआ कुछ, थोड़ा तप, थोड़ा स्वाध्याय, और फिर कह रहे ईश्वर की शरणागति। तप और स्वाध्याय करते हुए हम भगवत शरणागति में रहें, और भगवत शरणागति में रहते हुए तप और स्वाध्याय करें, ये यहां इस सूत्र का वास्तविक अर्थ है। तो क्योंकि हमको साधक तत्व की चर्चा करनी है, तो साधक तत्व की चर्चा की दिशा में ये प्रथम भाव मैंने आपको निवेदन किया।
आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को।